Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada.
परसों
और जितनी लेफ्ट लड़कियां हैं वो अब आ रही हैं लेफ्ट लड़की। तो 9 बजे का समय दिया, 10 बजे 9 बजे 9 बजे से हम लोगों ने पूजा आरती जो इच्छा हो सब किया। हमारे गुरु जी की हरि भाव की जन्म की वैष्णव के जन्म को जन्म नहीं कहते हैं, आविर्भाव कहते हैं। और वैष्णव लोग चले जाते हैं तो उनको मृत्यु नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं तिरोभाव अथवा अप्रकृति थी, क्योंकि वैष्णव लोग मरते नहीं है, साधारण लोग मर जाते हैं। वैष्णव लोग इस शरीर को कपड़े की भांति छोड़ करके भगवान के नित्य धाम में सेवा करते हैं, उनका कभी भी देहांत इत्यादि नहीं। इसलिए प्रकट अप्रकट आदिभाव तिरोभाव इत्यादि वैष्णव को करना। परसों हम लोग उठे नित्य लीला परमेश्वर विष्णुदास इसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आदिभाव करते हैं। वो आज है हमारे नित्य लीला परमेश्वर और विष्णु पार्षद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जो कि हमारे गुरु जी के गुरु हैं और आप सब लोगों के परम गुरु हैं, उनका आविर्भाव तिथि आज हमारा हमारे पति और सब लोगों के पराक्रम गुरु हैं। गुरु परंपरा में कुछ नामों को याद करने की जरूरत है, वो तो उनको प्रणाम की जरूरत है। पिता ही सब कुछ नहीं है, है पिता सब कुछ, किंतु एक तरह से पिताजी का पिताजी यदि नहीं आते उनका जन्म नहीं देते तो पिताजी कहाँ से आए। इसलिए पितामह पतिमा तुम्हें पहले वंश परंपरा पूर्वजों का सब दिया जाता था विवाह में उपनयन में और कोई उत्सव। हम लोग अपनी गुरु परंपरा का नाम देते हैं, इसलिए प्रत्येक साधक को अपना गुरु जी के गुरु जी, उनके गुरु जी, उनके गुरु जी और कहाँ से परंपरा हमारी निकली है वहाँ पर सबको रोज प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। यदि भक्ति की जरूरत धारण नहीं आएगी, यदि गंगा जी निकलती है गंगोत्री से और बीच में कट जाए तो गंगोत्सागर में वो जाए तो धारा वहीं पर जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, जैसे पूरी धारा नहीं चाहिए। उसी तरह से गुरु परंपरा की धारा नहीं रहने से भजन की धारा भी नहीं आती। ये गुरु परंपरा की धारा स्वयं कृष्ण और राधिका जी से मिलती है। कुछ लोग कृष्ण से कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कृष्ण इतने चतुर, इसलिए वहां पर कुछ ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य के द्वारा माध्यम से घट जाता है, इसलिए वहां पर कृष्ण से इसलिए बतलाया गया। साधारण बात व्यक्ति इसको समझ नहीं सकेंगे, इसलिए कृष्ण का सेवन पूजन करने के लिए राधा की गुरु होंगी तब तो कृष्ण की सेवा होगी। इसके पहले गुरु हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव में रूपांतर भजन में श्रीमती राधिका जी और उनसे गुरु परंपरा हमारी है। साधारण रूप में ऐश्वर्य रूप में कृष्ण से लेते हैं ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी से नारद और नारद से व्यास, व्यास से सूत, व्यास से फिर मध्वाचार्य और माधवेंद्र कुलिपाल, फिर माधवेंद्र कुलिपाल से ईश्वर पुरी चैतन्य महाप्रभु स्वरूप रूप स्वरूप दामोदर रामानंद, उनसे रूप सनातन और उनसे जीव रघुनाथ, जीव रघुनाथ से कृष्णदास अभिराज गोस्वामी, उनसे तीन नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास जी, उनसे फिर नीचे आए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से बलदेव विद्याभूषण जी, उनसे जगन्नाथ दादाबा जी, उनसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनसे श्री प्रभुपाद जी और उसके बाद में हम लोग के गुरु जी
और भी उनके गुरु भाई लोग हैं। और इसके बाद में बाबू महाराज पर्यंत आज की धारा। अब इसके बाद में ये धारा नित्य चलती रहेगी जब तक ये पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी समाप्त होने पर भी फिर ये वहां तक रहेगी और फिर सत्य युग में फिर वहां से ये धारा निकलेगी। इसके वसु संप्रदाय में चार धाराएं मानी गई हैं जिनमें प्रधान ब्रह्मा जी का ये ब्रह्म माधव गौरीय वैष्णव ये याद रखना चाहिए सब साधक को। तुम्हारे गुरुजी का गुरुजी कौन थे, तुम्हारी कौन सी परंपरा है, तुम्हारा संप्रदाय क्या है, तो कुछ नहीं बोल सकेंगे। केवल मंत्र ले लिया और फिर कभी करते नहीं, कभी यहाँ पर आते नहीं, कहीं के 10 बजे आना, ये सब होगी तो आएंगे प्रसाद खाने के समय जब सब कुछ समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं वो गुस्सा के साथ में जैसे घर का काम करते हैं इसी प्रकार से परमार्थ में भी लगना चाहिए। यदि अपने गुरु जी का परम गुरु जी का परम प्रार्थना गुरु जी का कृष्ण का परिचय ही नहीं होगा तो भजन क्या होगा। इसलिए ये सब की जानकारी चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठ करके सबसे पहला काम गुरु परंपरा को अपने रूप से आरम्भ करके एकदम कृष्ण राम श्रीमती राधिका इत्यादि वृंदावन धाम रौदी धाम सब परिकरों को प्रणाम कर रहे हैं। कम से कम ये घर का तो प्रणाम करने के लिए अब तो उनकी कृपा वैसे ही तो ये सब नहीं करेंगे न जानेंगे न सुनेंगे। इसके शिष्य है गौरी अमर करते क्या तो करते कुछ नहीं है। जब इच्छा होती है तो पूछता भी है जाते हैं कभी या तो कभी कभी वर्ष में एक दो बार तो सीखेंगे कहाँ से। तो आज जिनका आविर्भाव किसी है जिनका प्रकट हुए हैं जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्टम मूर्ष्ण वाशिष्म भक्ति सिद्धांत आश्चर्य। उनके विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ आलोचना किया उनके उपदेश में तो हमारे प्रभु लोग अनुपस्थित कुछ लोग वो अचन घंटी बजा रहे थे, कोई फूल ला रहे थे, कोई स्नान कर रहे थे, वो सब पहले हो जाना चाहिए। तो ये इनका जन्म साधारण रूप में जन्म तो नहीं किंतु कहा जाता है ये प्रकट हुए थे जगन्नाथपुरी। पिताजी का नाम और गुरु जी का नाम भक्ति विनोद ठाकुर किंतु उनके पिता है इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई हमको गुरु मत कहना नहीं करो कहते बाप से बाप को गुरु बनाता है तो सब लोग अपने बाप को ही गुरु बनाना करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी छिपाया और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी छिपाया। गोस्वामीपुर के भी लोग हैं उनको भी अपना शुद्ध गुरु कोई परमार्थी गुरु करना चाहिए। घर के माता पिता की गुरु वो सुविधा नहीं होती उसके आदेश का पालन सबसे नहीं होगा उसमें वैसी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके गुरु होते हुए भी और प्रभुपाद उनको अच्छी तरह से जानते हैं उनके प्रति गुरु का भाव रखते हैं तभी उनके आदेश से 1906 ईस्वी में गौरकिशोर दासाबाद महाराज जी को मणि गुरु बनाया गया। वो कैसे गुरु बने पहले से जन्म में उनके जन्म में जनेऊ तिलक सब अपने आप स्पष्ट रूप से दिखा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी पत्नी से कहा इसको महापुरुष समझो कोई महापुरुष हमारे घर में आविर्भाव है हुए हैं हमारी सेवा ग्रहण कर ली थी पुत्र के रूप में नहीं माना भक्ति विनोद ठाकुर जी क्योंकि वैष्णव है। जब वो 5-6 महीने के हुए तो अद्भुत प्रतिभा उनकी दिखने लगी। जगन्नाथ जी का रथ जा रहा था तो उनके सामने ही रुक गया रथ जहाँ यात्रा होती है बड़ी डंडी उसी के साथ पास पर बगल में ही भक्ति विनोद ठाकुर जी का रथ रथ रुकया और हाथी लगाया गया तो भी नहीं चले सब लोग हार गए नहीं चले। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने 6 माह के अपने पुत्र को लेकर के रथ पर चढ़ करके और उनके चरणों के पास चले अपने आप वो बच्चा उनके चरणों में लुट गया और ठाकुर जी की प्रसादी माला जो उनके गले से निकल गई वो भक्ति विनोद ठाकुर को लेकर के और बच्चे को पढ़ना ये बहुत शुभ लक्षण है और उन्हीं के प्रसाद से उनका अन्न प्रसाद भी उसी से हो गया और उनका नाम रख दिया विमलानंद सरस्वती। अर्थात विमला देवी जगन्नाथ जी की शक्ति है इसलिए विमला प्रसाद
जी का नाम, विमला जी के प्रसाद से लिया, विमला जी राधा जी की प्रकाश पीकर है, इसलिए इन्होंने तो वो नाम रखा विमला, विमला प्रसाद, और इन्होंने अपना नाम खुद ही प्रकाश किया श्री बाक्ष भानवी देवी दई, कितना अर्थात श्रीमती राधिका जी के अत्यंत प्रिय दासी है वो अपने आप उन्होंने प्रकाश। इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, भक्ति विनोद ठाकुर ने 8 वर्ष की उम्र में उनको निशिंग मंत्र दिया और दूसरे वर्ष कुंडदेव की उपासना पूजा पद्धति सब दिन, और वो छोटी उम्र में ही प्रतिदिन अर्चन करते थे प्रभुपाद, और भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ जहाँ जाते थे प्रवचन करने के लिए चैतन्य चरितामृत अथवा भक्तिरसा और उनके जो ग्रंथ होते सी पढ़ने करके, और छोटा सा बच्चा आगे आगे चलता था और वहाँ रखता था, और जब तक वहाँ छोड़ा था तब तक मेहनत भी सुनता था। ऐसे ही हमारे गुरु जी का भी जहाँ जहाँ उनके पिताजी जाते थे बड़े बड़े समाजों में जहाँ पर भक्तियों की सभा होती थी प्रवचन होता था वहाँ पर इनको ले जाते थे, और भाइयों को नहीं ले जाते क्योंकि इनको ले जाते इनकी रुचि थी। 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र एकदम व्याकरण इत्यादि तो हो ही गया, संस्कृत का वेद उपनिषद सबका पाठ किया, और अंत में ज्योतिष के बड़े भारी विद्वान दिग्विजयी हुए, और उन लोगों ने इनको सरस्वती की उपाधि दी। सरस्वती माने वो संस्कृत शिक्षा की एक सबसे बड़ी उपाधि होती है, तो वो उनको उपाधि, बड़े बड़े विद्वान बंगाल के उनको उपाधि। इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, मैं और संस्कृत अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि मैं संस्कृत काल में हमारे पिताजी ने भर्ती कर दी है कलकत्ते में संस्कृत कॉलेज में, 2-1 वर्ष पढ़े, इतने प्रखर मेधा के थे जो उन लोग कहीं भूल प्रोफेसरों की या प्रिंसिपलों की भूल संस्कृत में निकालते, इसलिए उनसे बनी नहीं, इन्होंने कहा कि मैं संस्कृत का अनुस्वार और विसर्ग और व्याकरण का दुख्कृतकरण ये सब करने के लिए नहीं आया, हम तो भगवान की भक्ति करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए आए, ये सब दुख्कृतकरण माने ये करने के लिए हम नहीं आए हैं, और अनुस्वार विसर्ग संस्कृत का इसका करते 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 सारा जीवन अनुस्वार विसर्ग सीखते सीखते इसके लिए नहीं, बहुत है। और इसके बाद में सोचा यदि मैं ये अपने को दिखाऊं कि मैं विद्या अर्जन करने में या बहुत बुरी हूं, मैंने क्या उसके कंधे पर रख देते हैं और आंख बंद करके उसको घुमाते हैं तेरते रहते हैं, ऐसे संसार वाले हमको भी ध्यान में लगा लें, इसलिए आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बहुत कुछ हो गए। बस उन्होंने कुछ आसपास में बात विवाद हुआ आपकी उन्होंने छोड़ा, बात विवाद इसलिए हुआ बनारस यूनिवर्सिटी में ज्योतिष विभाग के जो सबसे बड़े थे उस समय पदाधिकारी वो कलकत्ते में गए थे, और वहां पर एक विद्वत सभा बैठी और उस विद्वत सभा में कुछ विचार हुआ ज्योतिष का, तो उसमें ज्योतिष में विचार होने पर वो आए और बंगाल के बड़े बड़े लोग सब आए ज्योतिष विद्यालय, तो उस समय इनको भी बुलाया गया तो ये भी गए, वहां पर जो बनारस वाले थे जो सबसे बड़े विद्वान वहां के सबसे उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनसे विचार हुआ, और उस विचार में उन्होंने ऐसा पक्ष प्रतिपादन किया जो उसके शरीर से पसीना एकदम से तरबर हो गया, और वो पंडित प्रभु था 50-60 वर्ष का वही पद पे साहब इत्यादि में साहब उसको, और एकदम घबरा गया, ये सब लोगों ने उसे पकड़ करके
ऐसे वो धुरंधर थे। इसके बाद में कॉलेज को छोड़ दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा तू कुछ करेगा नहीं। पिता पिता प्रसन्न होने पर और उनकी भैया ने कहा जैसे इसको कोई कारोबार में लगाइए तो कोई काम करता है नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने साथ लेकर के उनको जगन्नाथपुरी ले गए और वहां पर सदाशन मठ एक है जहां पर कि पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी अवसर दामोदर रहे। उस सदाशन आश्रम में इनको वहां का सेवा का पूजा का भार दे दिया कि तुम यहीं पर सेवा पूजा करो और यहीं पर चैतन्य चरितामृत उनसे सुनने के लिए खुद जाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने श्रोता होते थे और अपने बेटे को वहां पर वक्ता बना दिया। पहले वहां पर कम से कम तो सैकड़ों लोग आते थे, भरा भर जाता था। जब ये पाठ करने लगे तो धीरे 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 सब लोग खसकने लगे। इसलिए खसकने लगे यीशु गर्भवती की बातें करते थे, सहजिया देवी नहीं, दोनों का विरोध करते थे। उसी सभा में एक दिन चरण दास बाबा जी वहां पर आए। चरण दास बाबा जी हैं आजकल के समाजवादी वाले रामदास बाबा जी थे, खूब प्रसिद्ध गायक नहीं जी। और ये वृंदावन में पूरा उड़ीसा प्रदेश में उनका बड़ा नाम और सभी बहुत लाखों लाखों शिष्य बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। कीर्तन करते करते आंखों की सारा मोटी मोटी धाराएं कभी सूखती नहीं थी और ऐसा भाव देख रहा है। तो एक दिन इनके गुरु जी चरणदास बाबा जी आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी बैठे, बातचीत होते होते भक्ति की प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी की उम्र अभी 22 वर्ष की भी 21 वर्ष की थी, तो उन्होंने उनसे कहा आप ये लोग जो कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये क्यों नहीं करते हैं? आप लोग करते हैं हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा हरे ये क्यों करते हैं? ये कहीं शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में या हमारे आचार्यों में गौड़ीय वैष्णव में या वेद में परिषद में कहीं है तो आप लोग करते हैं? ऐसा क्यों करते? वो है निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण। वो तो बड़ा सुंदर। उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने ना राम मार लिया एक साथ में गौर नित्यानंद और राधा कृष्ण सभी इसमें छा गया, कुछ बाकी नहीं रहा। राधा कृष्ण हमारे आराध्य ब्रज लीला के और गौर नित्यानंद प्रभु आराध्य है वहां बच्चारों का नाम आ गया। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? कहा लिखा है? उन्होंने कहा इसमें दोष क्या है? दोष पहले तो ये किसी शास्त्र में नहीं है, महाजनों का जो माना हुआ मंत्र नहीं है या कीर्तन नहीं है उसके करने से लाभ नहीं है। हजार अच्छा उत्पाद इसलिए अनुमोदन होना चाहिए हमारे आचार्यों का गुरु वैष्णव का प्रवण। जैसे कि हम लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, जी गोस्वामी है, पीछे से नरोत्तम ठाकुर जी हैं, सूरदास को भी ले सकते हो, मीरा देवी जी हैं, ये लोग शुद्ध भक्त थे। हम लोगों में नरोत्तम ठाकुर जी हैं, प्रेमानंद दास जी हैं, गोविंद दास हैं, पीछे से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। इनकी पदावलियों को कीर्तन करने से भगवान उसको ग्रहण कर ले क्योंकि उनके भक्त हैं और अपने मन से हम बनाएंगे तो उसको कहते हैं छड़ा छड़ा कीर्तन उससे भगवान प्रसन्न में भगवान के चरणों तक उनका निवेदन नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो शरणागत भक्त नहीं है। ये लोग सब भगवान के प्रेमी भक्त उनके परिकर हैं इसलिए इनकी प्रार्थना को इनकी बातें सुनेंगे। यदि रामचंद्र जी का जीवन चरित्र हम लिख करके कीर्तन करें अपने आप वो नहीं होगा किंतु दूसरी कृत रामायण है वाल्मीकि रामायण है उसका जब हम पाठ करते हैं कीर्तन करते हैं उसका फल होगा।
चैतन्य चैतन्य का फल होगा। अपने मन से बना लिया और करेंगे तो नहीं। तो पहला दोष ये महादेव के द्वारा ये रचित। दूसरा अच्छा तुम निताई गौर राधे श्याम, तो निताई गौर और राधे श्याम एक तत्व है। तब यहाँ जो निताई गौर है वही राधे। अच्छा चैतन्य महाप्रभु क्या है उसे पूछा, कृष्ण है और राधे कौन है इसमें से, तब उसकी बोली ना निकले। बलदेव प्रभु जी हैं नित्यानंद जी और उनके बदले ले आया वो राधा जी को। जहां पर कि कृष्ण और बलदेव वो चाहते कि ये एक साथ में जा रहे हैं, एक साथ में खा रहे हैं, एक साथ में मिल रहे हैं, वहां राधा जी कृष्ण के साथ में खेलने आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये इसको कहते हैं रसाभास। यहाँ पर यदि हमारे यहाँ निताई और गौ रहते तो राधा जी को हम लोग वहां पर नहीं बैठा, ये संभव। इसलिए महाप्रभु जी कृष्ण के रूप में वहां पर हैं और उनके साथ में राधा जी हैं, ये तो ठीक है। यदि वहां होता गौ गदाधर और राधे श्याम तो एक तरह से ये भी जोड़ी बन जाती, किंतु ये भी जोड़ी नहीं बनेगी। क्यों? गदाधर जी पुरुष इसके वहां पर जोड़ी नहीं बनेगी एक साथ, उनको ये अलग प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा तब ये ठीक होगा। इसलिए आप जो कीर्तन कर रहे हैं सब सब प्रकार से गड़बड़। एक और गड़बड़ इसमें ये है, आप कहते हैं निताई गौ राधे श्याम जपो हरे कृष्ण, ये जपो किसके लिए लगा रहे हैं? ये निताई गौ राधे श्याम को जप करेंगे ना, राधे श्याम निताई गौ को जप करते हैं ना, कौन जप करता है किसका? ये भी मंत्र में है ना जप हज और जपो। ये मंत्र कैसे हुआ? हज से होता है ओम नमः क्लीम स्वाहा इत्यादि लगा करके तो मंत्र बन सकता है। तो ये जप कैसे हुआ मंत्र? और उसमें भजन निताई निताई गौर हे गौ निताई तुम राधा कृष्ण भज, ये आप तो ये आदेश कौन कर रहा है? चरणदास बाबा जी कर रहे हैं। ऐसा तत्पिता हुआ कि वो एकदम बोल नहीं सके, उनके जितने शिष्य प्रशिष्य थे हमारे गुरु जी को तो परास्त कर दिया, ये 22-23 वर्ष का लड़का बस एकदम विरोध हो गया और वहां पर उनका कोप चल रहा था चारों तरफ। लोग तो भक्ति का विचार करते ही नहीं है, केवल भेड़िया घसान की भांति लोग विचार करके चलते हैं। बस उन लोग सब प्रभुपाद का विरोध कर, यहाँ तक कि और बड़े बड़े भी ये आप लोग जानते होंगे जितने बड़े बड़े जग इंडिया में हैं और बड़े बड़े वकील हैं सब साईं बाबा को मानते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे, रजनीश को मानेंगे। क्या कि उनके अकल पर क्या पत्थर पड़ा, वो क्या करता है कि धुआं चला देगा, धूप दे देगा, अंधकार कर देगा, आप कुछ जाति बैठते ऐसा कर देगा ना जो वहां पर बैठे तो उनके हाथ में यही से फूल चला जाएगा। ये तो सिद्ध महात्मा भगवान है साईं बाबा, तो ऐसा कर देगा ऐसा साईं बाबा भगवान। वो वकील लोग और जज लोग भी ये विचार नहीं करते हैं कि सचमुच में क्या की जाए, उनको क्या मिले। अधिकांश समाज के लोग जिनको शुद्ध गुण नहीं मिले ऐसे भेड़िया प्रसाद की भांति चमत्कार दे करके और भूल करते हैं बना लेते हैं माइक से दिखाई क्या मिले, तो वो सब विरोधी हो गए। और पाठ प्रवचन में भक्ति विनोद ठाकुर वो एक आदमी अपने आते थे और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा देखो थोड़ा सा रस्सी ढीली रखनी है नहीं तो सब गड़बड़। तो मैं एक बात तो प्रभुपाद जी बिरलानंद सरस्वती बिरला विशाल सरस्वती तुम को हम ले चलते हैं मायापुर में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, यहाँ पर की जगन्नाथ दास का वास है और बड़े बड़े भक्त लोग उसको स्वीकार किए कि ये मायापुर है, वहीं पर एक छोटी सी भजन कुटीर नहीं बना देते हैं
और वहां का जमींदारी हम खरीद करके तुम्हारे नाम से वहां पर करते हैं। और वही भगवत वचन करो, कुछ काम तो तुम करेगा नहीं, तुमको मेडिकल दुकान में करवा दी तो तुम एक वर्ष में दिवाला निकाल दिया। तो भैया की इच्छा है कि तुम अच्छा लड़का बनो, तो खैर तुम ये करेगा नहीं तो तुमको हम माया दे। उसके पहले उन्होंने काशी बाजार के कोई राजा थे या कहां के त्रिपुरा के राजा थे, उनके दो लड़के थे, एक जुआरा मैंने उनके बाद में राजगद्दी बैठे और दूसरा था राजकुमार राजकुमार, इनको थोड़ा सा पढ़ाती और हमारा काम थोड़ा सा देखते। एक पुस्तक हमारी वंश परंपरा की चल रही है उसको आप कंप्लीट करा दें, संपादन आप करा दें। फतेह ठाकुर ने बहुत आग्रह बच्चे को किया जब तुम थोड़ा सा देख सकता, इसने देखा कि वहां पर बड़ी भारी दर्ज हुई है वैष्णव, बस इसलिए वो स्वीकार। उस समय में सिपाहियों को 2 रुपया महीना मिलता था, 2 रुपया हम लोग के समय में 15 रुपया तक मिलता था और उसमें अपना परिवार का सब खर्चा चला करके लड़के की शादी वादी करके घर बना करके पूरा सब रख जाता। उसमें प्रभुपाद को 300 रुपया महीना, 300 महीना मैंने आज का 5,000-10,000 इतना उनको मिलता। वो ऐसा बनाने लगे, नारद जी की शिक्षा, दोनों राजकुमारों को वैराग्य होने लगा और दिन रात भगवान के भजन में तन रहे। उनकी पत्नी मैंने लड़कों की मैया ने कहा कि महाराज हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप रक्षा इनसे कराइए, नहीं तो 2 दिन में हमारा लड़का बर्बाद हो जाएगा, ये रहेंगे ही नहीं, ये चले जाएंगे भजन करने के लिए, फिर राज्य कौन संभालेगा और क्या क्या होगा, आप इनको 300 रुपये बदले में 1,000 रुपया दे दीजिए। किंतु इस बच्चों से छुटकारा दिया। जब रोने लगी विशोष खाने के लिए जब तैयार हो गई तो इनको उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के सभी लोग हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, आप इसको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको मैं इतना ही पेंशन दे दूंगा, आप भक्ति विनोद ठाकुर की मां। उन्होंने कहा कि हम तो जिस काम के लिए आए थे वैष्णव ग्रंथों को देखने के लिए हमारा हो गया है और बच्चों को जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं जाना। उन्होंने कहा कि हमको पेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत चेष्टा की पेंशन नहीं दिया। अंत में उनके नाम से जहां प्रभुपाद आए मायापुर में वहां पर भी उतरे, किंतु उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसके बाद में मायापुर में वो जमींदारी प्रभुपाद ने खरीद ली तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने और वहीं पर मड़ैया का मंदिर बनाया। मड़ैया समझता है ना, छप्पर वाले जिसको 5-7 घर उसको कहते हैं, इधर से ऐसे उधर से ऐसे इधर से उधर वैसा था घास फूस का और उसमें गौर नित्यानंद प्रभु को और एक कृष्ण विग्रह भी कहीं से कोई दे दिया। पीछे से गौर विष्णु क्रिया के बदले एक और विष्णु क्रिया की मूर्ति किसने दे दी तो उन्होंने 2 कर दिया, गौर विष्णु क्रिया और लक्ष्मी। पीछे से फिर राधा कृष्ण। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 1916 में भक्ति विनोद ठाकुर जी शरीर छोड़ दिया। जिस समय ये अप्रकट नहीं हुए थे अभी थे, उन्होंने जैसे नरोत्तम ठाकुर ने देखा है कि हमको लकवा मार गया, तो वैसे इन्होंने अभिनय किया कि हमको लकवा मार गया, शरीर नहीं चल रहा। जैसे नरोत्तम ठाकुर के शिष्य थे, उन्होंने सब जातियों के बड़े बड़े सद्भाव लोगों को शिष्य बनाया, यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग भी, और ये कायस्थ कुल में आए। वैष्णव का कोई जाति कुल नहीं देखना चाहिए, ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि क्या है, तो नरक जाना पड़ता है क्योंकि वो भगवान के पास होते हैं, इसी कारण से आ जाते हैं जगत का उद्धार करने के। इसलिए अपने गुरु को ये मत समझना कि ये ब्राह्मण है ये क्षत्रिय है ये शूद्र है ये चंडाल है
कास्ट है या क्या देखना चाहिए। भगवान के स्वरूप, भगवान के परिकर भाई, भगवान के प्रकाश है, साक्षात रही है, ऐसा उनको देखना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जाति पाति वैष्णव को भी मत देखना चाहिए। वो अपिंद्रो ठाकुर जी, नरोत्तम ठाकुर जी जब किया तो उन्होंने जगत का काम हो गया, तो जाना जहाँ भगवान के पास में, तो उन्होंने दिखलाया कि हमको लंबा लग गया, हाथ पैर चलते नहीं। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, नरोत्तम ठाकुर जी ने, ये तुम लोग हमको पासी गंगा है, गंगा के किनारे एक बढ़िया बांध करके हमको वहां पर रख दो, वहीं पर भगवान का भजन करते हुए और हम शरीर को छोड़। तो उनको शिष्य लोग बड़ी श्रद्धा से गंगा के तट पर, उधर गंगा का नाम क्या है, पद्मा, पद्मा के किनारे लेकर के एक कुटी बना दी और वहीं पर या शिष्य लोग वहीं पर रहने लगे और हरि कथा को कीर्तन चलने लग गया। वहां के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने अपवाद ये बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, कायस्थ को करके और ब्राह्मणों को शिष्य, इसीलिए इसको लपा मार। आपको सब कौन होता है बाद में भीतर तो लपा मार गया। अब इनके शिष्य लोग रोने लगे कि ब्राह्मण लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, ये लपा मार गया, ये सबको शिष्य बनाए, ये अच्छी बात, उसको क्या करना चाहिए। तो प्रभु आप चलते चलने फिरने लग जाइए और जैसे पहले रहते थे वैसे रहने। तो कल अच्छा गंगा में स्नान करा रहे, बस गंगा में स्नान करके खड़े होकर चलने फिरने दौड़ते चले गए और अपने घर में चले। मुझे कहा ये क्या हो गया, पीछे को पीछ मत कीजिए, यहाँ आ गए, नहीं तो इधर किधर बैठे इधर ऊपर ऐसे पीछे हैं। चलने फिरने एकदम घर में आ गए, ब्राह्मणों को पता लगाया, अरे तू तो ठीक है पूरे। अब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और भी बहुत सी कथाएं इसमें, उनको परास्त करवाया अपने शिष्यों से। तब फिर उनके आहार क्षमा मांगने लगे, फिर छह महीने के बाद में फिर अपने पद्मा के किनारे जाकर के ऐसे प्रतिदिन ठाकुर जी अंतिम काल में उन्होंने दिखाया कि हमको बीमारी का कोई जान में कुछ न कुछ दिखलाना पड़ता है, बस जान बुझ करके भगवान को बीमार किया। तो उस समय में एक बहुत बड़ा भाई विवाद उठ खड़ा हुआ, विवाद इस प्रकार का हुआ कि ब्राह्मणों में और वैष्णव 10 बजे को आ नहीं सकते, 10 बजे बुलाया सबको कोई नहीं बुलाया, आपका मोहल्ला ही ऐसा और आपका मोहल्ला भी खुला हो वैष्णव के सामने पहुंच करके खाना पीना फल मूल इत्यादि सब दान दक्षिणा वैष्णव को आदर करने लग गए। अब उनकी रोजी रोटी उठने लग गई, इसलिए वो लोग वैष्णव के विरोधी घोर विरोधी उन्होंने कहा प्रभुपाद को एक बार जान से मार डाल, ऐसे भी परिकल्पना नहीं तो हमारी गोलकी एकदम सब उड़ा देगा और सब लोगों का समाज का मुंह भी दूसरा तरह का हो जाएगा, ब्राह्मण को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए एक बड़ी भारी सभा बैठी मेदिनीपुर के अंतर्गत बाली खाई नाम के स्थान, उसमें भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े ब्राह्मणों के पंडित थे, काशी में, मिथिला में, दक्षिण भारत में, कांची में, विष्णु कांची, शिव कांची में, उन सबको उन लोगों ने कहा और वैष्णव को चैलेंज दिया कि ये लोग साबित करें जो ब्राह्मणों से हम लोग से कौन से विषय रखा। हजारों बड़े बड़े स्मार्ट और काशी से बड़े बड़े धुरंधर विद्वान लोग और बंगला के न्याय पंच रत्न और षडरत्न और क्या क्या सब वहां उपस्थित हुए। अब वैष्णव में तहलका मच गया, इनके साथ में कौन विचार करे,
उनका विद्वान है, संस्कृत में अगर भाषण करते हैं वो विचार करेंगे। अंत में सब लोग मिल करके भक्ति विनोद ठाकुर के ताजे प्रभु अब लाज आपके हाथ में है, अब किसी प्रकार से बचाएंगे नहीं तो वैष्णव धर्म समाप्त, पृथ्वी से एकदम निश्चिन्ह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब खुश हो गया और साथ साथ में मैं चल नहीं सकता, उनको लगवा दूंगा तो मैं उनसे जा नहीं सकता, तो फिर क्या किया जाए? हम लोग नहीं जाएंगे, विचार नहीं होगा, एक तरफा उनकी जीत हो जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगा। और फिर उन्होंने ठाकुर जी ने बड़े दुख से कहा, आज ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव का दर्शन कर सके। वैष्णव धर्म की जहां भी जाएंगे वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, वही विमला प्रसाद सरस्वती, अब उनका नाम सिद्धांत सरस्वती हो गया अभी था। तो उन्होंने कहा कि आप आदेश दीजिए और अपने चरणों की धूलि हमारे सिर पर दर्ज दे, मैं जाता हूं। छोटा सा बच्चा और उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए जाओ, और उनके साथ में वृंदावन के राधा मरण घेरा के मधुसूदन गोस्वामी सरस्वती गोस्वामी विद्वान आदमी थे वैष्णव, उनको बुलवा करके वृंदावन से उस बच्चे के साथ में फिर जैसे अभिमन्यु लड़ने जा रहा है तो उनकी रक्षा करने के लिए कौन जाएगा, तीन गदा लेकर के जा रहे हैं ऐसे ही इन लोगों को, और एक कोई और विद्वान से जिनके साथ भक्ति मनोहर ठाकुर जानते थे ये बड़ा पुरंदर है इसलिए वहां पर ले जाते, वहां पर हजारों आदमी सब बड़े बड़े विद्वान सब जुटे थे। वैष्णव की तरफ से व्यक्ति को व्यक्ति वैष्णव लोग हैं वो लोग कुछ लोग और ये नाथपुर नवदीप से है। अब जब सभा बैठी तो एक कुंज में सभा हो रही थी, ऊपर में मालती पुष्प का, जब सभा होने को आरंभ हुआ तो मालती का गुच्छा ऊपर से भक्ति प्रभुपाद जी के ऊपर में अपने आप वो गिर गया और सब वैष्णव लोग जय जय कार करने लगे। उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई, आज जैसे तैसे जीती हुई भी होगी वैष्णव धर्म भी होगी और उनका मुख कुछ कुंभला गया। अब उन्होंने कहा कि पहले तुम बोलो तुम विचार करेगा वैष्णव धर्म से, उनकी उम्र 60, 70, 80, 90 बड़े बड़े धर्मगर पगड़ी बांधे थे और ये अभी छोटा सा बच्चा दुबला पतला, ये बचपन में बहुत दुबले थे एकदम पतले जैसे बड़े पठन बुद्धि के, तो इनको सब लोगों ने कहा तो ये उठ करके बच्चा खड़ा हुआ और बोलना आरम्भ किया गुरु जी का जैसे वंदना करते हैं, वंदना करके जय जयना आरम्भ करके और बोला बोले आरम्भ करके पृथ्वी में सबसे बड़े ब्राह्मण वो सबके पूज्य हैं, इसलिए इनको भूसुर माने पृथ्वी का देवता है, ये साक्षात पृथ्वी के देवता ब्राह्मण लोग हैं, सब प्रकार से इनका पूजन करना चाहिए, भगवान भी इन्हीं लोगों के लिए जगत में अवतरित होते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण पिता है, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान है तो साधारण लोगों के लिए तो क्या होना चाहिए। शास्त्र ने जितना ब्राह्मणों की महिमा थी सबको उन्होंने बताया, बतलाने की बात में ये लोग बड़े ताली दे रहे हैं सुमार ब्राह्मण लोग और ये सब जो आए हैं बात कर रहा है और महीनों का ये अनुमोदन कर रहा है तो ये क्या वैष्णव की तरफ से बोलेगा, ये बहुत ठीक है। अंत में जब खूब तालियों की बजा दिया तो ये कहे वैष्णव लोग बड़े हैं ब्राह्मण लोग बड़े हैं ये बात ठीक है, शास्त्र अनुमोदित है किंतु ब्राह्मण किसको कहते हैं, यही पर आप बोलिए ब्राह्मण कौन है। ब्रह्म जानाति जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म कौन है, यदि निराकार ब्रह्म है तो उसको कोई जान नहीं सकता, उसको जानना बेकार का बकवास है। यदि निराकार निरंजन निर्गुण अव्यक्त आदि रहे
तो वो ब्रह्म ज्ञान जो है ही नहीं है अवाम मन से गोचर के अतिरिक्त उसकी प्राकृत अप्राकृत कोई धारणा नहीं है। इसलिए इस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जानने वाला कहां से आरंभ होगा? नारायण तत्व को जानने से। सर इस पर क्या है? लक्ष्मीपति जो नारायण है वैकुंठ में जो निवास करते हैं, किस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय हुआ है उनको जानने वाला, किंतु ये सर्वोत्तम ब्राह्मण नहीं है। सर्वोत्तम ब्राह्मण कौन है? ब्रजेंद्र श्याम सुंदर को राधिका के सहित में जानने वाले और उनकी सेवा करने वाले प्रविष्ट होने वाले सेवा में ऐसे लोग यथार्थ ब्राह्मण और कोई ब्राह्मण बैठा पागल राधा कृष्ण के नित्य जो उपासक सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं वही यथार्थ ब्राह्मण है। कैसे उनको कहते हैं? वैष्णव। वैष्णव में ब्राह्मणता अपने आप होती है। एमए क्लास पढ़ने वाले को क्लास वन जरूर पास करना होता है। क्लास वन नहीं पास करेगा तो एमए में कैसे पहुंचेगा? इसलिए एमए क्लास वाला छात्र को कहा जाए जिसने क्लास वन टू थ्री नहीं पास किया ये भूल है। उसके लिए ये नहीं कहना है कि क्लास वन पास किया है कि नहीं। क्लास वन का सर्टिफिकेट, एमए का सर्टिफिकेट दे रहा है तो तुमने क्लास वन का पास किया कि नहीं, तुम सर्टिफिकेट ले आओ, नहीं है तब नहीं मानेंगे। एमए का दे रहा है किंतु उसको नहीं। ऐसे ही जो वैष्णव है विष्णु की आराधना करने वाले, विष्णु कौन है? विष्णु कहने से यद्यपि हमारे साक्षी का भी बोध होता है। नारायण भी विष्णु है, प्रणाम भी विष्णु है, कृष्ण भी विष्णु है, नंदनंदन भी विष्णु है, किंतु विष्णु नंदनंदन है। राधा कांत जो सर्वश्रेष्ठ विष्णु तक उन्हीं से सब कुछ निकलते हैं। इसलिए ये जो आराधना करते हैं ये वैष्णवता अपने आप है, किंतु ब्राह्मण में वैष्णवता नहीं रहने से वो सब कुछ बेकार का है। शास्त्रों का प्रमाण उन्होंने दिया जन्म से जाति नहीं होती, किसे होती है? गुणों के अवधानों से। चतुर्वर्णम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग। ब्राह्मण का अपने भगवान विष्णु की आराधना करने का गुण नहीं है तो वह शूद्र चंडाल। केवल जनेऊ रूपी सूत्र धारण करने से ही वो ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म तत्व नहीं जानता और सूत्र को क्यों क्यों धारण करता है तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। जो भगवान की पूजा करता है वो शूद्र जाति से होने पर भी तस्मै देयम् ततो प्रायम् सोचो जो यथा वो हमारे समान पूज्य है। उनका पूर्व जाति ये सब नहीं देखना चाहिए, उनका तत्व ज्ञान देखना चाहिए। यथार्थ में आत्मा ब्राह्मण की छत्री है न शूद्र है, और शरीर जो मिट्टी है मर जाने के बाद में या रहने पर भी छत्री है कि वैश्य है न क्या है, इस सबसे किसका भी मूल्य है? वो तो भगवत भजन कराने के लिए लोगों को समझाने के लिए इस तरह के तारतम्य बने थे, किंतु अंत तक वैष्णव पहुंचने के ये सब जब भाषण देने लगे और शास्त्रों से सब बताने लगे तो सबका मुख एकदम हो गया, कोई उठा ही नहीं। सब लोग धीरे 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 जितनी पगड़ी थी अब पगड़ी के ऊपर रही नहीं, पगड़ी समेत उठ करके चले गए और केवल वैष्णव लोग रह गए और उस समान जीत हो गई। अब चारों तरफ में वैष्णव धर्म का डंका बजने लगा, धीरे धीरे मायापुर में मंदिर होने लग गया और सब तरफ में वैष्णव धर्म का। आज भी यहाँ पर भी हमारे यहाँ जब हम लोग यहाँ है तो यहाँ के मथुरापुरी के लोग आते हैं महाराज, आज हमारे यहाँ एक कोई उत्सव है, कोई ये काम है करना है, कोई वीर का पत्तन करना है, मुझे क्यों भाई करा है? कोई कहते हैं हमारे घर में आज हमको कुछ वैष्णव को किया है, भाई ब्राह्मणों को किया तो नहीं, हम लोगों को ब्राह्मणों पर कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मणता से उनका कोई संबंध नहीं है।
वो काम कराने के पहले ही दक्षिणा के लिए मरते मिलते हैं। जमुना जी ने खड़ा करके कहा पहले दक्षिणा लो, एक गाय को दान करो तब हम तुमको मंत्र बोले। इसलिए धीरे 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 तुम पर विश्वास सब दूर होता गया, वैष्णव पर अनुसंधा आती गई। इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने प्रचार बहुत समझ के संबंध में बहुत कुछ है जब भोग लगा है कि नहीं आरती हो गई आरती हो गई अच्छा तो ठीक। हम आप लोग जैसे अभी आए हैं फिर 4 बजे के करीब में या 4:30 बजे तक जरूर आ जाएंगे। हमारी बहुत हमने जो कुछ नोट किया था जी ये कहेंगे उसमें अभी पहले प्रस्तावना ये कर रहा था वो करीब करीब 18 वर्ष के करीब उनकी उम्र थी 1970 वैसे। तो उस समय में प्रभुपाद जी को उन्होंने रख दिया था मायापुर में उनकी सेवा, और वहीं से प्रचार आरंभ किया जिनका उन्होंने खंडन किया था वो चरणदास बाबा जी इत्यादि। मायापुर धाम की परिक्रमा और महोत्सव उन्होंने जब आरंभ किया तो वो भी अपने हजारों लोगों के साथ में उसमें और बोले कि मैं यद्यपि कुछ ये लड़का बड़ा तेजस्वी है तभी तो मैं प्रति वर्ष नवदीप परिक्रमा के समय में जन्मोत्सव में मैं जरूर आया। उस समय में यात्रा भी प्रभुपाद ने और युवतियां यात्राएं राशिदा जैसे यहाँ पर होती है ना हरगोविंद की प्रभुपाद जी से बहुत विरोधी है हमारे गुरु जी भी निष्ठाओं के घोर विरोधी है क्योंकि उनमें कोई आचरण नहीं है इसलिए वो सब देखने का एक सहजिया भाव है यथार्थ में भजन साधन हम लोग नहीं कर सकते इसलिए इसके घोर विरोधी। तो अभी उन्होंने लोक संग्रह के लिए 1-2 वर्ष पहले कहा इसके बाद तो परिक्रमा को हजारों लाखों तो ये उन्होंने भी कहा था जब हम आएंगे किंतु भक्ति विनोद ठाकुर के जाने के बाद में फिर इनका भी और लोग गमन हो गया। इसलिए तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कही प्रभुपाद जी ने 9 द्वीपों में 9 आश्रम स्थापित किए और सबकी विधिवत परिक्रमा आरंभ कर दिया। ये 1900 उसके पहले 1900 में उन्होंने वो जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर उसका आनंद सुखद कुंज में रहते थे वहीं पर इनको रखा था उनके साथ में रहते थे। वहीं पर एक वृद्ध और आंख के अंधे एक महापुरुष आए और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जैसे सम्मान किया और वो जैसे परस्पर प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं गौकिशोर दास महाराज की प्रश्न कर रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर जी उनका उत्तर देते हैं। ये सब भी जय धर्म में जो प्रश्न उत्तर देखता है ना अधिकांश वो सब चीजें हैं नाम अलग से दे दिया है ये सब चीजें। तो वो महापुरुष प्राय नवदीप में रहते थे पहले रहते थे यहीं ब्रज में पीछे से नवदीप में चले आंख नहीं आने पर भी लठिया टेक करके बहुत जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम भाई इधर से नवदीप से पुकारते और पुकारते गंगा को पार करके और भक्ति विनोद ठाकुर के आश्रम में हम लोग परिक्रमा में वहां पर गए। उन्होंने देखा कि अद्भुत तो ये लिखना पढ़ना तो जानते नहीं है आप नहीं किंतु पक्षत्व के संबंध में इतने परिपक्व जो भक्ति विनोद ठाकुर से इन सब बातों को जो हमने कभी सुना नहीं और ये सब विचार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर से कहा यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये महात्मा जी के चरणों में मैं दीक्षा करता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं
और बाबा जी महाराज जी को कहा, इनको कहा जो तुम जाओ बाबा जी महाराज के चरणों में गिरकर से प्रार्थना। ये तो समस्त दर्शन वेद उपनिषद पुराण सब पारंगत उनके चरणों में गिर करके बोले, जे भाई बाबा जी महाराज आप हमको दीक्षा दी, आपसे मैं दीक्षा। तो भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी बांग्ला सब विषयों में ग्रंथ तत्व सिद्धांत में भक्ति में तू इतना तेज, तुमको मैं नाम की इच्छा नहीं, आप नहीं कहते तो हम भी पुत्र क्या करते हैं आप ही से नहीं, और नहीं ऐसे ही मर जाएंगे। किंतु वो तो चले गए, बीच में आते जाते तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, जमीन पर भोजन रख कर खाना दो ग्रास, और वो भी एक एक ग्रास कम करते 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 एकदम जैसे पूर्णिमा होती है ना उसको कहते हैं चंद्र ग्रास, एकदम शरीर सूख गया, मरने मरने हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी इस लड़के को आप जीवन बर्बाद कर देंगे, ये मर जाएगा, आप पीछा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो प्रत्याय करने चाहिए, इस बच्चे को आप पीछा दे दीजिए। तो उनके बहुत कहने से तब फिर उनको यज्ञ कराया, बस कान में मंत्र दे दिया, बस यही हो गई थी। महापुरुषों का ऐसा ही होता है, ये सब जंगल में डाल करके यज्ञ करके ये सब आहुति दे करके वो दंड ले करके इधर ये सब उन लोगों को अतीत है, महामनीय है, परमहंस है, बस सत्य का संचार कर दिया और ये तो नहीं प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इन्होंने दीक्षा की। दीक्षा के दूसरे वर्ष में भक्ति विनोद ठाकुर जी गतभुक्त चले गए, प्रकट हो गए, और उसके दूसरे वर्ष में तब इसके बाद इन्होंने संप्रदाय के अनुसार में त्रिगंध इन्होंने संन्यास, और इसके बाद में भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचार। उनके पहले शिष्य एक कलकत्ते के बड़े भारी जज थे, सुनो हमें के बारे में, एक जज साहब थे कलकत्ते में, उनका एक अपना भाई को या भतीजा या क्या कहें, वो भतीजा था, बड़ा बहुत विद्वान, वो कोई बड़ा अफसर था आईसीए, उसको स्वप्न मिला और स्वप्न में प्रभुपाद जी को देखा, और स्वप्न में देख करके और उस व्यक्ति को ढूंढने लगा जो उसे हमने गुरु दक्षिणा दी। तो खोजते 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 अपने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा जैसे जाओ तो राम भवन एक है कलकत्ते में, यहाँ पर विमोति मोटा से मिला है, वहाँ पर जाकर के देखो तो एक युवक है बहुत भजन परायण तत्वविद है, उसको देखा हो तो वहाँ पर दिखा था, वही कहे हम आपसे गुरु दक्षिणा लेंगे और किसी से नहीं, क्योंकि हम अभी गुरु दक्षिणा किसी को देते हैं। तो वो एकदम जीत कर लिया, तब अंत में बात जो करके सबसे पहले इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे बहुत विद्वान आदमी, वो संस्कृत और अंग्रेजी विषय के माने हुए राइटर, उनका नाम था संन्यास पर उनका नाम कुछ और था मुझे याद नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी दैव वर्णाश्रम धर्म का प्रचार हो और संन्यास भी हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये आप कृपा करके हमको भक्ति विनोद ठाकुर के लाइन में हमको संन्यास। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, उनकी उम्र थी करीब करीब उस समय में 60 वर्ष की, और प्रभुपाद की उम्र कम थी, तभी उन्होंने